सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आगे को नई वीडियो का देख सके दोस्तों। हमें ऊपर आते साथ एक बुरी खबर मिली कि हमारी बेल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है, इसको ज़्यादा पानी देना पड़ेगा वरना फुल ख़त्म। ये देखिए ख़त्म है, ओहो ये देखिए ख़त्म हो चुकी है ये बेल। ओहो ये क्या हो गया बेल हो, ये देखिए यानी रस्सी को देखिए। ओहो क्या हो सकता है, इन चुनटियों की वजह से शायद ये हुआ है, पता करते हैं हम चुनटियों की वजह से हुआ किस और वजह से हुआ। ये चुनटियों की वजह से पता नहीं कौन कौन से पौधे निकल रहे, उनकी वजह से शायद नहीं हुआ हो। ये हमारे धनिया इसे उग रहा है बस, उनको कुछ उग रहा ही नहीं है सिवाय धनिया की, और कुछ उग रहा ही नहीं दोस्तों। बेल भी खराब हो गई हमारी, क्या कर सकते, पानी देंगे ज़्यादा फिर शायद ग्रो हो सही अच्छी खासी। अब हम अपने पुदीने की तरफ चल लेते हैं, पुदीने का भी एक यही फंड है कि इसको ज़्यादा पानी दो तो ही ग्रो होगा, इसका भी शायद इसी करते हैं। इसको भी माशाल्लाह ये तो ग्रो होना शुरू हो चुका है, तो ये तो ख़त्म ही हो गया पूरा, ठीक है। ये एलोवेरा भी ग्रो हो रहा है माशाल्लाह, ये रेड प्लांट भी ग्रो हो रहा है माशाल्लाह। अभी हम चले अपनी दूसरी प्यारी की तरफ, हमारी दूसरी प्यारी माशाल्लाह इसमें भी ग्रो हो रहा है माशाल्लाह, और नए नए पत्ते भी निकले आज तो माशाल्लाह, पता नहीं किस चीज़ का बीज है ये मुझे नहीं पता। और ये भी शायद साग का ही है, और यहाँ पर एक कीनिया निकला है, अभी कुछ नहीं पता है किस चीज़ के पौधे, टमाटर के लगे इंशाल्लाह टमाटर के ही हो गए, अल्लाह करे टमाटर के हो। और आज हम इसे करते हैं, यहाँ पर हम वो डाल देते हैं धनिया के बीज, ताकि हमारे साथ साथ धनिया भी ग्रो हो, ताकि हमारा साथ साथ धनिया भी ग्रो हो, ठीक है दोस्तों। इसको रख देता हूँ साइड पे, आज हम इसमें धनिया के बीज भी डालेंगे, कल आज सही नहीं देखा कल डालेंगे, कल ठीक रहेगा। अब इसको रख लेते हैं ऐसी, ठीक है इसको भी साइड पे। अब ऐसे करता हूँ दोस्तों, पानी भरता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। ये देखिए दोस्तों पानी भर दिए है, अब बारी हमारे पुदीने की, पुदीने को दे देते हैं, इसको अच्छा खासा पानी देंगे तो ये ग्रो होगा। ये देखिए चलो इसको भी दे दिए अच्छा खासा पानी, इसको भी दे दिया देने के बाद अभी हम इसको दे देते हैं, भी दे दिए अब बारी इसको दे देगी, तैयारी तो बाद में देंगे पानी भरने के बाद। अब इसे करते हुए पत्थर उठा लेते हो ना, ठीक है इसको पानी भरता हूँ वापसी से फिर आपसे निकलता हूँ। देखिए दोस्तों पानी भर दिए, अब बारी है इसकी, ये देखिए अच्छा खासा पानी दे रही है बेल, क्यों इसके लिए दोबारा पानी भर दूंगा, लेकिन बेल को अच्छा खासा पानी देना चाहिए बस। ये देखो दोस्तों दोबारा पानी भरता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। दोस्तों पानी भर दिया है, अब इस कैरी की बारी है, ये देखो कैरी को भी अच्छा खासा पानी यहाँ से, ये देखो दोस्तों अच्छा खासा पानी दिया, बाकी बचा हुआ पानी फिर बेल की तरफ दे दें। बेल का मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, तो हम बेल को ज़्यादा ही पानी देंगे जितना ज़्यादा हो सकता है हमारे लिए, उतना ज़्यादा पानी देंगे हम इसको, इसके बाद वो उसको इसको तो देना ही भूल गया। ये भी है पानी, इसको पानी भरता हूँ फिर एलोवेरा को दे देता हूँ फिर इसको बिल्ली को दे देते, बेल को आपसी दे दिए उनको रखता हूँ फिर आपसे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमने अपनी बेल को देखा था, बेल हमारी ख़राब हो रही थी जैसा कि आपको पता है, और ये देखें क्यारी तो सही उग रही है माशाल्लाह, इसके पौधे देखें
साग के पत्ते, क्योंकि इसमें मैंने साग के, आप बोलोगे आपको कैसे कंफर्म पता है कि ये साग के पत्ते हैं, क्योंकि हमने इसमें साग के बीज लगाए थे। मैंने सरसों ली थी, साग के बीज नहीं लेकिन सरसों थी, वो सरसों के बीज मिलते हैं, सरसों के बीज लगाए थे और वो 2-3 दिनों में ग्रो होना शुरू हो गए थे। ये देखें, 2-3 दिनों में ग्रो होना शुरू हो गए थे। उसके बाद हमने इसमें टमाटर के बीज भी लगाए थे। अभी कल हम इसके, हमने याद होगा आपने कि हमने 3 हिस्से बनाए थे। एक हिस्से में हमने बोला था साग, दूसरे हिस्से में टमाटर और तीसरे हिस्से में हमारे धनिया। धनिया हम लगाएंगे कल, क्योंकि हमारे टमाटर ग्रो होते हुए मुझे दिख रहा है। तो ये देखिए छोटे छोटे जो आपको दिख रहे होंगे इस साइड पे बीज पे, वो टमाटर के हैं, कि टमाटर भी हमने लगाए थे। टमाटर के बीज हमने ज़्यादा अंदर नहीं दबाए थे, इसके आगे पीछे ग्रो हो रहे, तो हमने उसको यहीं पर रख दिया। अब इंशाल्लाह कल हम लगाएंगे इसमें साग के, वो धनिया के बीज, उनको भी छोड़ो, मुझे बेर का जो वगैरह, बेल को, बेर का फल क्या हो गया, मैं आपको बेल को भी दिखा देता हूँ एक दफ़ा, ये देखें। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, आज के इतना ही। अगर वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।